हेलो फ्रेंड्स, मैं ओएस और आप देख रहे हैं जियोलॉजी एस्पिरियन यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा फेज रूल के ऊपर, मींस आज हम यूनिकॉम्पोनेंट मैग्मा का फेज रूल के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था यूनिकॉम्पोनेंट मैग्मा के ऊपर, मतलब वहाँ पर हमने यूनिकॉम्पोनेंट मैग्मा का इंट्रोडक्शन, यूनिकॉम्पोनेंट मैग्मा क्या है, किस टाइप का क्रिस्टलाइज होता है, सोलिडिफिकेशन होता है, वो सब चीज़ हमने देखा था। आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम डायरेक्टली जंप करेंगे यूनिकॉम्पोनेंट मैग्मा का फेज रूल के ऊपर, मीन्स जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा यूनिकॉम्पोनेंट मैग्मा। और हमने फेज रूल का भी एक वीडियो देखा जिसमें हमने फेज रूल के ऊपर पी क्या है, एफ क्या है, सी क्या है, सब कुछ वन बाई वन हमने देखा था। फेज रूल हम क्यों यूज करते हैं, उसे क्या बेनिफिट मिलता है फेज रूल से हमें, किस टाइप का रिजल्ट मिलता है, मीन्स फेज रूल हमें हम यूज क्यों करते हैं, फेज रूल से हमें एफ मिलता है तो कैसे मिलता है, वो सब चीज़ हमने देख लिया था फेज रूल के वीडियो में। अगर वो वीडियोज आपने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों वीडियो का, आप देख सकते हैं। तो आज डायरेक्टली हम देखेंगे यूनिकॉम्पोनेंट मैग्मा में हम फेज रूल को कैसे अप्लाई कर रहे हैं, उसके हेल्प से हम कैसे फेज या डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल पा रहे हैं, ठीक है, यूनिकॉम्पोनेंट मैग्मा में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं एक फिगर लिया हूँ जहाँ पर H2O सिस्टम है, मींस यहाँ पर जो पहला जो एक सिस्टम मैं लिया हूँ उसमें देखिए आई से एक वाटर है और स्टीम है, ठीक है। तीनों का कंपोजिशन जो है वो रहेगा मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड, ओके, H2O जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक। बट ये जो H2O है ये यहाँ पर टोटल होल जो फेज है, तीन फेज आपको दिख रहा है, ये देखिए ये एक फेज है सॉलिड स्टेट में। हमने देखा था फेज को हम किस टाइप में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक दूसरे से, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था कि फेज एक को हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, मतलब एक दूसरे, मतलब दो चार फेज अगर एक साथ हैं कंबाइन होके तो उसमें से हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे पर्टिकुलर ये कोई भी रीजन वो डिफरेंट फेज में है और कोई डिफरेंट फेज में है। तो हमने वहाँ पर देखा था उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक था जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते थे, स्ट्रक्चर था या फिर स्टेट था उसका, क्या वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, इस बेसिस पे हम फेज को डिस्टिंग्विश कर रहे थे। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम उसका स्टेट के हिसाब से डिस्टिंग्विश करेंगे, जो कि एक है सॉलिड स्टेट में और एक है लिक्विड और एक है गैस स्टेट में, ठीक है, गैसीय स्टेट में, जिसे हम स्टीम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा तीन स्टेट है, ठीक है, और कंपोनेंट यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, मीन्स यहाँ पर यूनिक कंपोनेंट का बात हम कर रहे हैं तो कंपोनेंट वन ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट है हाइड्रोजन ऑक्साइड है और यहाँ पर थ्री फेजेस है ये डायग्राम में। तो यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट रीजन में हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने को कोशिश करेंगे, जैसे कि फेज रूल का फॉर्मूला है पी प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू, नो मैटर अगर आपको याद नहीं रहता है देन वी हैव अनदर फॉर्मूला ना, तो आप याद रख सकते हो पी इक्वल टू सी माइनस एफ प्लस टू, ये भी याद रख सकते हो, या फिर एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, ये भी याद रख सकते हो, डिपेंड अपॉन यू कि आपको कौन सा इजी याद रखने में इजी हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास फेज रूल है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर सॉलिड स्टेट में आइस है जिसका कंपोजिशन ऑब्वियसली H2O है। अब बात करते हैं जब गैस का या फिर स्टीम का, तो इसका भी कंपोजिशन H2O है। और यहाँ पर जब देखेंगे लिक्विड मतलब वाटर, इसका भी कंपोजिशन H2O है। तो हमने लिया है यूनिकॉम्पोनेंट सिस्टम का और उसका जो कंपोनेंट है वन कंपोनेंट है, मीन्स यहाँ पर अगर देखेंगे पूरा सिस्टम में तो इसका सी जो रहेगा वन मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पर फेज और डिग्री ऑफ फ्रीडम वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू फेज हम यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल अगर ये सिस्टम में हम देखें, हमें तीन फेज मिल रहे हैं, एक सॉलिड स्टेट में है जिसे हम आइस बोल रहे हैं, ये एक फेज है, और एक लिक्विड स्टेट में है जिसे हम वाटर बोल रहे हैं और ये एक फेज है, और एक है गैसीय स्टेट में स्टीम बोल रहे हैं जिसे हम, वो एक फेज है। तो टोटल फेज यहाँ पर है आपके पास थ्री, और यहाँ पर जो कंपोनेंट है इसका वो है वन, यूनिक कंपोनेंट देख रहे हैं हम, ठीक है, वो भी इसका जो कंपोनेंट है H2O है। तो यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेज, ओके, फेज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट दे रहा हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट में अगर हम निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, मीन्स एफ, यहाँ पर हमने देखा था पी है जो है फेज है, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, सी कंपोनेंट, और ये टू एक कांस्टेंट रहता है। ये क्यों कैसे रहता है ये, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में फुल्ली डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, तो वहाँ पर से आपको ये फॉर्मूला के डेरिवेशन के ऊपर सब कुछ मिल जाएगा। तो वीडियो में आप वो वीडियो में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे पी प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू। तो मैं एक यहाँ पर पॉइंट ले लिया, इसको मैं नेमिंग कर रहा हूँ एक्स। तो हमें एक्स पॉइंट में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। तो अब इसे अप्लाई कैसे करेंगे, हमने देख लिया फेज रूल हमारे पास है पी प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू, यहाँ पर हम फेज रूल का अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये देखिए होल सिस्टम का जो कंपोनेंट है वो वन ही है, ठीक है, H2O कंपोनेंट हमने लिया है तो यूनिक कंपोनेंट, तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली वन आ जा रहा है, ठीक है, सी हमने देखा ये वन है। तो ये क्या हो जा रहा है ना, सी यहाँ पर कॉन्स्टेंट टू ही रहेगा तो यहाँ पर कुछ वेरिएशन आएगा नहीं, तो ये पार्ट टोटली थ्री हो जा रहा है, मीन्स यहाँ पर पी प्लस एफ इक्वल टू थ्री,
इससे हमें पता क्या चला, ये हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, पी प्लस एफ इक्वल टू थ्री। अब फेज रूल अप्लाई क्यों होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए, जो कि एफ, एफ को हम अभी निकालेंगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में। तो हम देख रहे हैं 8.x, ठीक है, 8.x आपका एफ क्या रहेगा। अब अगर मुझे एफ निकालना है तो ऑब्वियसली मतलब दो हमारे पास जो है वो अननोन है, तो कहीं ना कहीं एक ठो को हमें नोन करना होगा, मीन्स पी का वैल्यू हमें पहले खोजना होगा। तो ऑब्वियसली हम एफ निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सी वन होने की वजह से ये जो साइड हो गया थ्री हो गया है। तो यहाँ पर जो फेज है देखिए, ये एक फेज है, ये एक फेज है, ये एक फेज है, तो ऑब्वियसली ये एक ही फेज है, गैसियस फेज है। तो यहाँ पर पी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अगर यहाँ इस केस में पी अगर वन हो जाता है 8.x, 8.x, ठीक है, पी अगर वन हो जाता है, पी अगर वन हो गया तो यहाँ पर एफ क्या होगा, थ्री। अब एफ को इधर ले आइए, माइनस वन क्या हो जाएगा, टू। तो 8.x द सिस्टम इज डाइवेरियंट, ओके। यहाँ पर जो फेज रहेगा एक रहेगा और यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम टू रहेगा, तो 8.x द फेज सिस्टम इज डाइवेरियंट। इसी तरह आप देखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ पर भी ऑब्वियसली वन फेज है। अगर इसको मैं नेमिंग करता हूँ वाई, ओके, और इसको मैं नेमिंग करता हूँ जेड, तो हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो 8 पॉइंट में वाई में क्या होगा, देखिए 8 पॉइंट वाई, वाई में भी क्या है, देखिए जो पॉइंट रहेगा वाई का पॉइंट रहेगा, ओके। यहाँ पर वाई पॉइंट में भी देखेंगे तो ये एक ही फेज है, ये एक फेज, ये एक फेज, ये एक फेज, बट फेज तीन फेज है यहाँ पर, बट हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर लिक्विड स्टेट में, वो भी वाई पॉइंट में। तो ये वाई पॉइंट किस फेज में है, लिक्विड फेज में, मतलब ये क्या एक सिंगल फेज है। तो यहाँ पर आपको फिर अगेन क्या मिला, पी इक्वल टू वन, पी इक्वल टू वन मिला। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है पी प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू, तो ये कंपोनेंट तो यूनिक कंपोनेंट है, तो यहाँ पर वन हो गया, ये पहले से ही थ्री होके है। तो हमें निकालना क्या एफ, अगर पी हमें वन मिलता है, यहाँ पर थ्री है, ये देखिए पी हमें वन मिला, ओके, और ये जो इक्वेशन हमने सॉल्व किया यहाँ पर हमें थ्री मिल रहा है, तो एफ कितना निकलेगा, थ्री माइनस वन टू, यहाँ पर भी सिस्टम जो रहेगा डाइवेरियंट रहेगा। इसी तरह जब हम बात करते हैं 8 पॉइंट, हमने अभी निकाला 8.x और 8.y, अब 8.y जेड में हम जब भी देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम आएगा, यहाँ पर फेज वन रहेगा तो यहाँ पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम टू रहेगा। तो इससे पता क्या चला, किसी भी सिंगल फेज के अंदर कोई भी पॉइंट में आप अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने की कोशिश करते हैं, अगर सिस्टम यूनिक कंपोनेंट है तो वो डाइवेरियंट रहेगा, मीन्स वहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा टू रहेगा, ठीक है। ये तो हमने देख लिया ये पॉइंट में, अब हम थोड़ा थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेटेड वे में देखेंगे और भी थोड़ा इसको एडवांस लेवल में देखेंगे। जब हम बात करते हैं ये लाइन पे, मैं ये लाइन पे एक पॉइंट ले लिया जिसका नेमिंग कर रहा हूँ मैं ए, ओके। अब ये देखिए, ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में प्रेशर है, ठीक है। अब ये टेम्परेचर के हिसाब से देखिए सॉलिड स्टेट जो है इसका पॉइंटिंग यहाँ से देखिए कर्व घूम रहा है, तो इसके हिसाब से ये डायग्राम है। अब डायग्राम तो उतना समझने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम फेज रूल ही निकाल रहे हैं। तो अगर 8.a में मैं अगर बोलूँ आपको क्या रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 8.a, तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए ए जो पॉइंट है यहाँ पर फेज कितने हैं, देखिए ये लाइन पे है। अब ये लाइन देखिए, ये फेज से भी मिलके बना है, ये फेज से भी मिलके बना है, मतलब यहाँ पर जो फेज है ये लाइन पे दो फेज है, तो ये लाइन पे ही हमारा पॉइंट है, मीन्स यहाँ पर फेज क्या हो जाएगा, हमारा टू हो जाएगा। अगर फेज यहाँ पर टू हो जाता है तो क्या होगा, हमने अभी देखा था ये देखिए पी प्लस एफ इक्वल टू थ्री हो रहा है यूनिक कंपोनेंट के लिए, ओके। यूनिक कंपोनेंट सिस्टम के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला मिल रहा है पी प्लस एफ इक्वल टू थ्री। अब पी प्लस एफ इक्वल टू अगर थ्री हो रहा है तो यहाँ पर देखिए फेज कितना हमारा, पी मीन्स फेज, हम यहाँ पर निकालेंगे क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम 8.a। अगर 8.a में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेज जो है हमारा टू हो जाएगा। फेज अगर टू हो जा रहा है, ऑब्वियसली हमारे पास अगर फेज यहाँ पर टू हो गया, मीन्स टू प्लस एफ इक्वल टू थ्री, ये इक्वेशन से ये हमें मिल रहा है 8.a, ठीक है। ए पॉइंट में अगर ऐसा है तो एफ क्या होगा, अगर ये इधर जाता है तो माइनस से वन रहेगा, मीन्स यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मिलेगा वो वन मिलेगा। इसी तरह अगर आप ये लाइन में भी देखेंगे तो आपको दो फेज है तो यहाँ पर भी वन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए तो आपको, यहाँ पर इस पॉइंट में भी आप अगर देखिए तो यहाँ पर भी आपको जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वन मिलेगा। बट जब हम बात करते हैं इस पॉइंट की, इसको मैं नेमिंग कर रहा हूँ के, ओके, के पॉइंट में हम निकालेंगे, ओके। अब के पॉइंट में क्या है, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट में अगर देखेंगे यहाँ से भी फेज है, ये भी फेज है, थ्री फेज यहाँ पर कॉम्बाइन है, तो यहाँ पर पी क्या हो जा रहा है, थ्री। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, ऑब्वियसली ये फॉर्मूला को देखिए, अगर पी थ्री है राइट साइड में भी इक्वेशन का अगर इक्वल के बाद थ्री है तो यहाँ पर एफ इक्वल टू जीरो, मीन्स यहाँ पर जो ये रहेगा फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा ये इनवेरियंट रहेगा, ओके। तो अब देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया फिर और एक डायग्राम हम देखेंगे फेज रूल का। ये तो था हमारे पास H2O सिस्टम का जो कि यूनिक कंपोनेंट था, अब हम देखेंगे और एक डायग्राम, ओके। देखिए ये जो डायग्राम है
यहाँ पर क्वार्ट्ज का हम देख रहे हैं पॉलीमॉर्फ, या फिर आप बोल सकते हो डायरेक्टली सिलिका का पॉलीमॉर्फ। ओके, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट रहेगा, ऑब्वियसली हम यूनि कंपोनेंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट रहेगा यूनि कंपोनेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो फॉर्मूला होगा, यहाँ पर पहले फॉर्मूला को हम देखते हैं, पी प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू। ओके, पी प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू तो हमने देख लिया। पी क्या है? फेज। एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। यही तो हमें निकालना है एफ। वी हैव टू कैलकुलेट एफ इन डिफरेंट डिफरेंट रीजन, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट। ओके, तो हियर सी इज वन, ऑब्वियसली इट्स ए पॉलीमॉर्फ ऑफ, इट्स पॉलीमॉर्फ सिस्टम ऑफ सिलिका। ओके, हियर इज इट्स सिस्टोवाइज क्वेशाइट। यहाँ पर आपको अल्फा क्वार्ट्ज देखने को मिलेगा, जिसे आप बोल सकते हो लो क्वार्ट्ज भी, जिसे बहुत सारे ऑथर द्वारा बोला जाता है, ठीक है, इसे लो क्वार्ट्ज भी बोला जाता है। ये सब कुछ नहीं है, ये सिलिका के पॉलीमॉर्फ है, ठीक है। ये इसे बोला जाता है बीटा क्वार्ट्ज, ये जो रीजन है बीटा क्वार्ट्ज का रीजन है। ओके, और इसी को ये हाई क्वार्ट्ज भी बहुत सारे ऑथर के द्वारा बोला गया। और ये जो पॉइंट है, इसे इसको हम बोलते हैं, ये जो लिक्विड होकर रहता है, यहाँ से क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रहेगा क्रिस्टाबोलाइट, ये जो रीजन है ये क्रिस्टाबोलाइट का रीजन है, यहाँ पर जो रहेगा ट्रिडेमाइट। ओके, तो ये तो था। तो यहाँ पर जो रहेगा कॉम्पोनेंट इसका SiO2 यूनि कॉम्पोनेंट, मतलब यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन रहेगा वन ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक्स रीजन में हमने लिया टेम्परेचर, और वाई रीजन में लिया प्रेशर, टेम्परेचर डिग्री ऑफ सेल्सियस में, और प्रेशर जो है गीगा पास्कल में। ओके, तो इस तरह यहाँ पर देखिए, जब अल्फा क्वार्ट्ज का या फिर लो क्वार्ट्ज का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्रेशर रहेगा 2 के नीचे रहेगा, और यहाँ पर टेम्परेचर जो रहेगा ये देखिए, मतलब 900 से 1200 के अंदर वेरी करेगा, वो 0 तक भी वेरी कर रहा है। ये देखिए, ये पॉइंट में अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर इस बीच में आएगा टेम्परेचर, बट जब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर लो रहेगा, तो ये वेरी कर रहा है। तो इसके ऊपर हमें नहीं जाना है, ऑब्वियसली ये चीज़ भी हम देखेंगे जब मिनरालॉजी देखेंगे, तो मिनरल का जब हम केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे उसमें हम पॉलीमॉर्फ, ओके, वो चीज़ हम देखेंगे। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं फेज रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर हम फेज रूल ट्राई करेंगे डिस्टिंग्विश करने को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में। तो हमें पता क्या चला, यहाँ पर फेज रूल है ये पी प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू, ठीक है। यहाँ पर वन यूज नहीं करना है, वन कहाँ यूज करना है वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। वन ऑब्वियसली हम इग्नियस सिस्टम में यूज करते हैं, या फिर जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हिंट दिया हो आइसोबारिक, वहाँ पर हम वन यूज करते हैं। बट इन दिस केस वन हम यूज ही नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पर ना इग्नियस सिस्टम है ना कहीं पर हिंट दिया हुआ है कि यह आइसोबारिक कंडीशन है। ओके, सो हियर वी विल यूज टू, सो हियर पी वी हैव टू कैलकुलेट एफ, ओके, अकॉर्डिंग टू पी। तो पी और एफ यहाँ पर वेरी करेंगे, बट यहाँ पर जो हमने देखा कंपोनेंट सिलिका का कंपोनेंट है, मींस यहाँ पर जो पूरा सिस्टम है यूनि कंपोनेंट है। तो यहाँ पर फिर से यही देखिए, ये टू है, अगर यूनि कंपोनेंट है, यहाँ पर मैं वन लिखता हूँ, वन प्लस टू इक्वल टू थ्री, तो पी प्लस एफ इक्वल टू ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं थ्री। तो ये हमें यूनि कंपोनेंट के लिए एक फॉर्मूला मिला फेज रूल का। ओके, तो हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में ट्राई करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ इस पॉइंट में, इस पॉइंट में अगर हम निकालने को कोशिश करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये देखिए ये एक सिंगल फेज है। अब यहाँ पर फेज को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर तो कंपोनेंट्स हैं, मैं अब सब सॉलिड स्टेट में, कोई लिक्विड में भी नहीं है। ऊपर वाले केस में हमने देखा था एक लिक्विड में, एक सॉलिड में, एक गैसेस में, बट इन केस, इन दिस केस यहाँ पर सब तो सॉलिड स्टेट में, और यहाँ पर कंपोजिशन भी सबका सेम है, तो हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट जो फेज है उसको हम डिस्टिंग्विश इस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पर जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर सिस्टम है यहाँ पर ऑब्वियसली डिफरेंट है, दैट्स व्हाई हम इसे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फेज में, दैट्स व्हाई इसे हम फेज ही बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ये एक ही रहते, अगर सबका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर सेम रहता तो हम इसे फेज के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं कर पाते, ठीक है, मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में इसको डिवाइड नहीं कर पाते। बट यहाँ पर सबका जो स्ट्रक्चरल, मतलब जो उसका क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, दैट्स व्हाई हम इसे डिफरेंट डिफरेंट देखिए, वन टू, वन टू थ्री, ओके, फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, मतलब सिक्स रीजन में हम इसे, सिक्स फेज में हम ये जो सिलिका का पॉलीमर सिस्टम को सिक्स फेज में हम डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको टोटल सिक्स फेज है, ये देखिए दिस इज वन फेज, अगेन दिस इज वन फेज, दिस वन इज ए फेज, ये देखिए तीन फेज हो गया, यहाँ पर एक फेज है, चार फेज, पाँच, छः, टोटल हमारे पास सिक्स फेजेस हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू फेज के हिसाब से हम अभी निकालेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट मैं ले रहा हूँ, ये पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, ये पॉइंट लिया मैं एम, आठ पॉइंट एम क्या होगा, अब आप भी निकाल सकते हो, गैस कीजिए, थोड़ा सा पॉज कर लीजिए वीडियो को और ट्राई कीजिए, नहीं तो मैं अभी सॉल्व करके ही दूंगा। आठ पॉइंट एम यहाँ पर देखिए, आप अगर ये देखिए, ये फेज जो है वन है, तो यहाँ पर फेज अगर वन हो गया, ये तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला एक मिल गया यूनि कंपोनेंट के लिए, यहाँ पर
कंपोनेंट जो रहेगा वन रहेगा। तो पी अगर यहाँ पर वन है, ये पॉइंट मतलब ये पॉइंट का अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो ये कितने फेज में, एक ही फेज में ये पॉइंट, वन फेज में, सिस्टोवाइड फेज में, तो यहाँ पर पी वन है तो ऑब्वियसली हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये क्वेश्चन मार्क में दे दिया। यहाँ पर थ्री है तो ऑब्वियसली ये एफ क्या हो जाएगा, थ्री माइनस वन इक्वल टू टू। एट पॉइंट एम यहाँ पर क्या होगा ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम टू रहेगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पर भी इसके अंदर कोई भी पॉइंट ले इस रीजन के अंदर, तो यहाँ पर भी टू ही लिख लेगा। अगर अल्फा क्वार्ट्ज का रीजन में भी हम कोई भी पॉइंट ले, यहाँ पर भी टू लिख लेगा क्योंकि ये फेज वन है। अब जहाँ पर भी फेज वन रहेगा, हमने देखा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री माइनस वन इक्वल टू टू होगा, इस रीजन में भी हम निकालेंगे तो वो रहेगा। बट जब हम बात करते हैं लाइन्स की, ठीक है, लाइन्स की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, तो वो देखते हैं वो कैसे। जब हम बात करते हैं ये लाइन की, ठीक है, मैं ये लाइन पर अगर बोलूँगा आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, यहाँ पर आप ट्राई कीजिए पोज करके, नहीं होता है फिर मैं भी करूँगा, तो आप अपना आंसर भी इससे मैच कीजिए, अगर सही होता है तो ऑब्वियसली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फेज की, तो पहली बात ये पॉइंट मैं लिया हूँ लाइन पे, लाइन पे मीन्स ये पॉइंट को मैंने नेमिंग किया एक्स, आठ पॉइंट एक्स फेज क्या होगा वो भी हमें निकालना है। ओके, तो यहाँ पर पी क्या है, पहले देखिए फेज कितना है हमें देखना है, हमें यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, फेज नहीं। ओके, तो यहाँ पर फेज हम पहले देखते हैं कितना फेज है। अगर हमें, हमारे पास देखिए दो वैल्यू हैं, अगर मतलब हमारे पास थ्री तो पहले से ही है, बट यहाँ पर हमें एफ निकालना है, तो पी को ऑब्वियसली हमें पी का वैल्यू खोजना होगा। पी का वैल्यू अगर हम खोज लेते हैं तो एफ ऑब्वियसली निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर थ्री है, माइनस कर लेंगे हम। तो यहाँ पर अगर ये लाइन पर बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट का यहाँ पर कितने फेज है, ये लाइन पर ये देखिए, ये एक फेज है, ये एक फेज है, ठीक है, ये दो फेज पे ये लाइन है, मतलब ये दो फेज का ये लाइन है उस पर हम पॉइंट ले रहे हैं। तो यहाँ पर फेज क्या होगा, ये पॉइंट का फेज क्या होगा, दो फेज होगा, एक कोई साइड का भी एक रहेगा बीटा क्वार्ज, या फिर इसे ही आप बोल सकते हो हाई क्वार्ज। ओके, बहुत सारे ऑथर द्वारा बीटा क्वार्ज को ही हाई क्वार्ज बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर फेज क्या रहेगा, टू रहेगा। अगर यहाँ पर हमें पी इक्वल टू टू मिल गया, तो अब आप भी बोल सकते हो यहाँ पर एफ क्या होगा, थ्री माइनस टू इक्वल टू वन, तो एफ क्या होगा, यहाँ पर वन होगा। इसी तरह जब ये पॉइंट में भी लेंगे, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एफ़ वन होगा क्योंकि यहाँ पर दो फेज है। इसी तरह अगर यहाँ पर भी लेते हो, ये देखिए ये दो फेज है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। ये लाइन पे भी लीजिए, तो यहाँ पर एफ वन लिख लेगा। दैट मीन्स द सिस्टम इज यूनिवेरिएंट एट कोई भी लाइन पे अगर आप लेते हो, जो कि दो फेज के बीच में कोई भी लाइन है, तो सिस्टम इज यूनिवेरिएंट रहेगा। ओके, तो इसी तरह ये आप यहाँ पर लीजिए, ये लाइन पे यहाँ पर भी फेज लिख लेगा इसी तरह, ठीक है। दो ये लाइन पे लीजिए, यहाँ पर भी देखिए दो फेज है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम लेते हैं एक पॉइंट में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की, इसको मैं नेमिंग कर रहा हूँ फिर से जेड। ओके, आठ पॉइंट जेड क्या होगा, आठ पॉइंट जेड क्या होगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात कितना फेज पहले है हमको वो काउंट करना है। ये देखिए ये एक फेज है, ये पॉइंट कहीं ना कहीं ये फेज पे भी आ रहा है। देखिए ये कोई साइड फेज का ये लाइन है, और यही लाइन अल्फा क्वार्ज का भी है, बीटा क्वार्ज का भी। ओके, अब ये ट्रिडेमाइट का रीजन नहीं है, ट्रिडेमाइट का रीजन ये है, तो ये कंफ्यूज नहीं हुई है, ये ट्रिडेमाइट का रीजन यहाँ पे है। ओके, ये देखिए ट्रिडेमाइट का जो रीजन है यहाँ पे है, तो कंफ्यूज नहीं हुई है, ये ट्रिडेमाइट का रीजन है, बट ये जो है बीटा क्वार्ज का रीजन है, या फिर आप बोल सकते हो उसे हाई क्वार्ज। तो ये बीटा क्वार्ज का रीजन है, यहाँ पर आपको अल्फा क्वार्ज का रीजन देखने को मिला, यहाँ पर कोएसाइड। तो ये एक फेज है ऑब्वियसली, इसे मैं अभी नेमिंग कर रहा हूँ वन फेज, इट इज़ अनदर फेज टू, इट इज़ थर्ड फेज। ओके, तो यहाँ पर थ्री फेज हमें मिले। अब थ्री फेज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया जो कि तीनों फेज में टच कर रही है। देखिए ये फेज में भी है, ये फेज में भी, अगर इसका फेज का लाइन देखते यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये पॉइंट तीनों फेज में मीट कर रहा है। तो यहाँ पर इसका फेज क्या रहेगा, ये पॉइंट मतलब आठ पॉइंट जेड फेज विल बी पी इक्वल टू थ्री। अब p इक्वल टू थ्री है तो f क्या होगा, हमारे पास था फॉर्मूला p प्लस एफ इक्वल टू थ्री। ओके, तो यहाँ पर अगर p ही हमें थ्री मिल गया, अब यहाँ पर भी थ्री है, तो f क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा, तो आठ पॉइंट जेड एफ विल बी जीरो। सो यहाँ से पता क्या चला, जहाँ पर तीन फेज रहेंगे वहाँ पर कहीं ना कहीं सिस्टम रहेगा इनवेरियंट, मीन्स यहाँ पर फेज मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो रहेगा जीरो रहेगा। ओके, यहाँ पर फेज नहीं, सॉरी, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो रहेगा जीरो रहेगा, बट यहाँ पर जो फेज रहेगा थ्री रहेगा। तो एट द पॉइंट ऑफ, ऐसा एक पॉइंट पे हम लेंगे जहाँ पर जो तीनों फेज को इंटरसेक्ट करता रहेगा, ठीक है। एट एनी पॉइंट व्हेयर द फेज इज थ्री, द सिस्टम इज इनवेरिएंट। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो रहेगा जीरो रहेगा। तो ये था ऑल अबाउट यूनिकंपोनेंट मैग्मा का फेज रूल के बारे में, मैं भी आप समझ गए होंगे। अब और एक आपके लिए मैं एग्जांपल लेके रखा हूँ जो कि आपको सॉल्व करना है, और कमेंट सेक्शन में आपको उसके बारे मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बताना है।
इस अनदर सिस्टम जहाँ पर एल्यूमिनियम सिलिकेट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये भी इसका जो कंपोनेंट है, यहाँ पर भी मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ आपके लिए, P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू में लिख दिया। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं आपको दो चार पॉइंट दूंगा, उस पॉइंट पे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा। अगर आप वो कर सकते हो इजीली तो मैं समझूंगा कि आपका यूनिक कंपोनेंट बहुत आपको समझ में आ गया, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि आपका यूनिक कंपोनेंट हो गया अगर आप वो पॉइंट सम में राइट डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो। तो ये तो फॉर्मूला मैं आपको दे दिया। अब ये हिंट भी मैं दे, ये देखिए काइनाइट जो कि एल्यूमिनियम सिलिकेट है, सिलिमानाइट एल्यूमिनियम सिलिकेट है और एंडलुसाइट भी एल्यूमिनियम सिलिकेट है। मीन्स यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो वन है, ठीक है। अगेन पी प्लस एफ इक्वल टू, ये कंपोनेंट अगर वन हो जा रहा है, वन प्लस टू इक्वल टू थ्री, मेन फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। तो अब ये फॉर्मूला का आपको यूज करना है। अब मैं डिफरेंट डिफरेंट आपको पॉइंट दे दूंगा, वहाँ पर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के कमेंट सेक्शन में बोलना है। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट मैं दे रहा हूँ, ये पॉइंट का मैं नेमिंग कर रहा हूँ एक्स। ओके, आपको एक्स पॉइंट में निकालना है डिग्री ऑफ फ्रीडम और कमेंट सेक्शन में बोलना है। अगर आप ये कर सकते हो तो आप समझ लीजिए आपका यूनिक कंपोनेंट का फेज रूल कंप्लीट हो गया। इसी तरह आपको ये पॉइंट में भी निकालना है, वाई पॉइंट में, आठ पॉइंट वाई क्या है आपको बोलना है। और आठ पॉइंट और एक पॉइंट मैं दे रहा हूँ यहाँ पर जेड, मैंने तीन पॉइंट दिया और एक पॉइंट यहाँ पर मैं दूंगा आपके लिए के। ओके, आपको यहाँ पर का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम आठ पॉइंट एक्स क्या होगा आपको निकालना है, आठ पॉइंट वाई क्या रहेगा आपको निकालना है, आठ पॉइंट जेड आपको निकालना है, आठ पॉइंट के ओके आपको निकालना है, ठीक है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए, अगर आप ये दे सकते हो तो ऑब्वियसली आपका यूनिक कंपोनेंट मैग्मा कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए सबसे पहले उसे देख सकें। थैंक यू।